सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाले हैं। सो हम एक सिनेमा हॉल जा रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, थोड़ा प्रीमियम टाइप है। सो ये व्लॉग मैं सीधा सीपी से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हम सीपी में ही हैं। सो मेनली हमें उस हॉल का एक्सपीरियंस व्लॉग करना है इसलिए। सो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। हम कहाँ जाने वाले? कट 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 मुझे। तो हम जा रहे हैं इंसिग्निया नेहरू प्लेस मूवी देखने के लिए। कौन सी मूवी देखने आ रहे हैं बता दे। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। पहले तो हम पूरे दिन कंफ्यूज थे कि हम क्या करें, तो हम सब तीनों ने डिसाइड किया। हमने बहुत पैसे उड़ाए, अपनी जेबें खाली करी, हमने पता नहीं कैसे कैसे रेस्टोरेंट में कुछ भी पी लिया। पहली बात तो ये कि हम बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होगा। सो रेस्टोरेंट से खा पी के हम निकल चुके हैं, अब हम सीधा अपने कैब के लिए जा रहे हैं। सो अभी 3 बज रहे हैं और 4:45 का हमारा शो है, सो हमें बिल्कुल लेट नहीं होना। दीपक ने कैब बुक कर ली है और कैब आ गई है, अब हम सीधा बैठ रहे हैं। दीपक दिल्ली में पहली बार हॉल पे जा रहा है। सो कैब में गपशप करते हुए हम सब जा रहे हैं। कैब वाला भी सोच रहा होगा कितनी बातें करते हैं। बाल बिगड़ गए हैं, थोड़े बाल बना लूँ, इसे देखो, ये हमें देख के भी शर्मा रहा है। बिल्कुल टाइम पे हम पहुँच गए हैं। बाहर से हॉल कुछ ऐसा है, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के सामने ही है। सो पायल ने टिकट्स ले ली है, 800 रुपये की एक टिकट पड़ी है। आई नो बहुत ज़्यादा महंगी ले ली इन्होंने। सो बस कुछ एक्सपीरियंस करना था इसलिए इन्होंने सोचा ये सब। अंदर से इसका इंटीरियर बहुत तगड़ा है, क्वाइट इम्प्रेसिव। बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस यहाँ पे आ चुके हैं, ये उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है। इसका इंटीरियर सच में बहुत अच्छा है। वॉशरूम की तो बात ही मत करो, एकदम गोल्डन फील आ रहा था। सो मुझे नहीं पता मूवी कैसी है, मूवी देखने के बाद ही मुझे गाली देने वाले हैं या फिर मुझे अप्रिशिएट करने वाले हैं, मुझे नहीं पता। भाई चाहे मूवी कैसी भी क्यों ना, मुझे जो टाइम स्पेंड करने का मिल रहा है, मोर देन हैप्पी विद देम। यहाँ पे पीछे भसड़ हो गई, लड़ाई हो रही है, पता नहीं किस चीज़ की वजह से। हम थोड़े पहले पहुँच गए हैं इसलिए हम बाहर वेट कर रहे हैं। और चलो मूवी का टाइम हो गया है, अब हम सीधा अंदर जा रहे हैं। हॉल में घुसते ही मैं समझ आ गया कि इतने पैसे इन्होंने क्यों लिए हैं। चलो जब तक ऐड चल रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या स्पेशल है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी चेयर मिलती है जिसमें आपको टच स्क्रीन मिलता है, जिसमें से एक बटन ऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरा बटन आप सीट ऊपर नीचे कर सकते हैं और पैर ऊपर हो जाते हैं इससे। अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट है, बहुत सही लगा मुझे। एक बार आप दीपक को करते हुए देख लो। एक बेस्ट चीज़ और लगी कि यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट भी है, आप देख सकते हैं। ड्रिंक्स वगैरह आपको रखनी है या पानी की बोतल वगैरह। एंड एडजस्टेबल टेबल भी है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, फ़ोन वगैरह या कुछ खाने का सामान वगैरह। इंटीरियर लाइटिंग जो हॉल के साइड साइड में लगे हैं बहुत ही सही लगा मुझे। ऊपर से यहाँ पे मेन्यू रखा हुआ है कि आपको क्या क्या लेना है, आप ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सॉरी काफ़ी एक्सपेंसिव है इसलिए हमने बाहर से ही खा लिया था। अब चलो मूवी इंजॉय करते हैं। अब कह रहे हैं कि सरकार तो कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। बच्चे लोग भूख कमाए सोना जाना शुरू करेंगे। सो मूवी हो गई खत्म, अब हम सीधा बाहर जा रहे हैं। तेरा अपना केक केक के। सो अगर आप मूवी का रिव्यू जानना चाहते हैं तो हम तीनों आप मिलके बता देते हैं। इसको कमी लगी है, इसको मूवी में कमी लगी है लेकिन हमें नहीं लगी। बहुत अमेजिंग अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। अब इतना अंधेरा क्यों हो गया? आई थिंक जो लोग काफी प्रिविलेज होते हैं, जो दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाते, उन्हें कमियां ही लगती हैं। हाँ सही बात, दैट्स सो सैड। सो ये शॉर्ट वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।